हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट यूपीएससी एग्ज़ाम। सो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे अपनी डिजीज़ का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में। आज प्रोटोजोन देखेंगे और फंजाई के बारे में, हेलमिंथ्स के बारे में देखेंगे और कंप्लीट करेंगे ये अपना जो चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोन से जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट आती है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आपको याद रखना है, मलेरिया एक तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से हो रही है जो कि प्रोटोजोन है। ठीक है, और मलेरिया के बारे में आपको पता ही है नॉर्मल सा। और दूसरा कि इसको फैलाता कौन है, इसको फैलाता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एडिस से फैल रहा है, क्यूलेक्स से फैल रहा है और एनोफिलिस से कौन सा फैल रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नॉर्मल सी बातें हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके सिम्टम वगैरह बताओ आप। ठीक है, तो नॉर्मल सा याद रखना कि मलेरिया किससे होता है, दूसरा कौन सा मच्छर इसको फैलाता है। नेक्स्ट आता कालाजार। तो एक तो इसको सैंड फ्लाई फैलाती है और दूसरा प्रोटोजोन से होता है। प्रोटोजोन का नाम है लेस्मेनिया डोनोवनी। ठीक है, तो ये प्रोटोजोन का नाम है और इसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, डमडम फीवर भी बोलते हैं। और ये विसरल जो ऑर्गन होते हैं, इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं जैसे बोन्स, लीवर, स्प्लीन, उनमें कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, और ये एंडेमिक है, मतलब उसी प्लेस के ऊपर पाया जाता है, इंडियन सब कंटिनेंट के ऊपर जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल में। और WHO ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर में नेगलेक्टेड हैं, जिनके ऊपर अभी तक मतलब फोकस नहीं किया गया उतना ज़्यादा, उन बीमारियों की श्रेणी में रखा हुआ है WHO ने इसको। ठीक है, तो कालाजार का नाम याद रखना। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हेलमिंथ्स के बारे में। हेलमिंथ्स वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये वॉर्म है, ठीक है, ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं बॉडी के अंदर और उसके बाद बीमारी कॉज करते हैं उनमें से कुछ वॉर्म जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक एस्केरिस है, ठीक है, और दूसरा वॉचेरिया है। तो ये दोनों इनको बोला जाता है, जैसे एस्केरिस कॉमन राउंड वॉर्म होता है, ये एस्केरिस की फोटो है, और वॉचेरिया के बारे में भी आगे देखेंगे। इन दोनों को हेलमिंथ्स की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और ये पैथोजेनिक है मैन को। तो फर्स्ट आ गई एस्केरिस, आपको इनके बारे में ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्या कॉज कर रहे हैं ये। ठीक है, और ये हेलमिंथ हैं या कोई बैक्टीरिया फंजाई, वो पता होना चाहिए। तो ये हेलमिंथ्स हैं। ठीक है, जैसे हेलमिंथ्स का मतलब कि जैसे क्लास बनाई थी डिफरेंट, जैसे मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं, उसी तरीके से हेलमिंथ्स भी होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं मोस्टली। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं बॉडी की, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और ज़्यादा हो जाएं तो ये कॉज करते हैं अंदर इंटरनल ब्लीडिंग कर सकते हैं, मस्कुलर पेन कर सकते हैं, फीवर कर सकते हैं, एनीमिया कर सकते हैं, ब्लॉकेट कर सकते हैं। इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये। ठीक है, तो नाम है एस्केरिस। नेक्स्ट आता हमारे पास एलिफेंटियासिस। तो ये बीमारी का नाम है जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं। तो इसको एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एलिफेंट की तरह टांग हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये होती है वॉचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि हमारा हेलमिंथ है। ठीक है, वॉचेरिया से होती है। एंड नेक्स्ट इसमें मतलब एक तरीके से जो ऑर्गन होते हैं वो काफ़ी उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑर्गन में हो सकती है, आपके टांगों में हो सकती है, पेनिस में हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एलिफेंटियासिस फिलेरियासिस। तो याद रखना है आपने किस चीज़ से हो रही है, वॉचेरिया एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट आता इन्हीं वॉर्म्स से लड़ने के लिए फिर एक प्रोग्राम भी है जो वॉर्म्स होते हैं पेट के अंदर, नेशनल डीवॉर्मिंग मिशन। तो इसको 2015 के अंदर स्टार्ट किया गया था और ये पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन का और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 11 स्टेट्स में, मतलब अभी तक पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आता है कि पैन इंडिया है तो वो गलत हो जाएगा। एंड अक्रॉस ऑल कौन कौन से स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड, मतलब प्राइवेट नहीं है यहाँ पे, और आंगनवाड़ी जो सेंटर होंगे वहाँ पे किया जाएगा। एक डे फिक्स किया जाएगा, उस दिन क्या किया जाएगा, बच्चे जो 1 से लेके 19 साल तक हैं उनको अवेयरनेस फैलाई जाएगी, वॉर्म्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, उनको ड्रग्स भी दी जाएगी जैसे अलबेंडाजोल ड्रग का नाम है ये दी जाएगी उनको, और उनको अदर एक्टिविटी के बारे में बताया जाएगा जैसे आपको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, क्लीन रहना है आपने। ठीक है, तो किस किस तरीके से आपने मतलब अपने हाइजीन मेंटेन करनी है जिससे कि डीवॉर्मिंग हो सके। नेक्स्ट आती फंजाई से होने वाली बीमारी। तो फंजाई एक तो रिंग वर्म कॉज करती है, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं आपको, रिंग वर्म कॉज करती है। और एक आती है रस्ट, एक रस्ट होती है प्लांट की बीमारी जिसमें इस तरीके से प्लांट के ऊपर पैचेस पड़ते हैं, तो ये फंजाई की वजह से होती है। और ये रोजेज़ वगैरह मतलब जो प्लांट वगैरह होते हैं उनके ऊपर होती है ये, तो ये जो उनके पत्ते होते हैं इस तरीके से दिखेंगे आपको। तो सिर्फ आपको याद करना है कि रस्ट जो है बीमारी फंजाई की वजह से हो रही है। नेक्स्ट आती है एक पिंक वॉल वॉर्म होता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है। तो ये इंसेक्ट है जो अटैक करता है कॉटन को, तो आपको याद रखना है सिर्फ कि कॉटन के ऊपर पिंक बॉलवर्म जो है अटैक करता है। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है इसके ऊपर चली GM क्रॉप्स के बारे में, तो ये न्यूज़ के अंदर आता रहता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं, जेनेटिक मतलब जीन मतलब ये पास होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जीन होती है DNA का कोई भी पार्ट, जो DNA होता है हमारा, इसका कोई भी ऐसा पार्ट जो कि कोड करता है किसी चीज़ के लिए। DNA के सभी पार्ट कोड नहीं करते, कुछ वेस्ट भी होता है, तो DNA का जो पार्ट कोड करता है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर हुए जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तो फर्स्ट आता है इसी में हमारा
थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ दो तीन चीज़ें याद करनी है। एक तो थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये कर क्या रहा है, मतलब कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, और ये जेनेटिक है या कोई फंजाई से हो रही बीमारी है, ठीक है? तो वो पता होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट ये जेनेटिक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। आप सांस लेते हो उसके बाद वो आपकी बॉडी है पूरी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट होनी है, तो वो काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। अगर एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है अच्छे से मिल नहीं पाएगी पूरी बॉडी के अंदर, तो उस बीमारी को बोलते हैं थैलेसीमिया। नेक्स्ट आती है हमारे पास हंटर सिंड्रोम। तो ये भी हमारे पास इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, इसमें होता है माल फंक्शनिंग हो जाती है एंजाइम की। एंजाइम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल से एंजाइम कौन से होते हैं, जो कि आपकी फूड को ब्रेक करते हैं स्टोमक के अंदर, ठीक है? फूड एक बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करते हैं ये। अगर इनमें जैसे नॉर्मल होता है एक डीएनए होता है हमारे पास, ठीक है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, ठीक है? एमआरएनए के बाद में ट्रांसलेशन होगी, मतलब पहले डीएनए फिर बना एमआरएनए फिर बना उससे प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं एंजाइम, और एंजाइम हर फंक्शन जो होता है बॉडी के अंदर में एंजाइम से रेगुलेटेड होता है। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर। तो ये एंजाइम है, एंजाइम की माल फंक्शनिंग हो जाती है इसके अंदर में हंटर सिंड्रोम। फर्स्ट थिंग याद रखनी है जेनेटिक है, सेकंड माल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम हो जाती है। एंजाइम वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो अगर इनकी माल फंक्शनिंग हो जाए तो ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं वो टूटेंगे नहीं और हार्मफुल सब्सटेंसेस की तरह एक्यूमुलेट हो जाएंगे और उसके बाद बॉडी को डैमेज करेंगे, ठीक है? तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जेनेटिक एंड माल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया पहले आपको याद रखना है कि ये आरबीसी का डिसऑर्डर है। तो हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के चार मेन कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा जो कि अराउंड अबाउट 55% तक होता है, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी जिनको बोलते हैं, प्लेटलेट होती है, और आरबीसी, ठीक है? आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी हो रही थी वो इसी की बात हो रही थी, ठीक है, जो थैलेसीमिया की बात हो रही थी। तो फर्स्ट प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा आपने खाना खाया वो आपके स्टोमक है पेट के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो नीचे जाके जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं और पूरी बॉडी को वो खाना मिल जाता है आपका। तो प्लाज्मा के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? प्लाज्मा के अंदर मोस्टली पानी होता है और उसके बाद प्रोटीन वगैरह होती है। फिर वाइट ब्लड सेल ये क्या करते हैं, ये मतलब डिफेंस के लिए काम आते हैं आपके। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, आपको कट लगता है उसके बाद वहाँ पे क्लॉटिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे थिक्का जमता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट्स मतलब प्रोटीन वगैरह लगा के वहाँ पे उसको कवर करती हैं। एंड आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, आरबीसी की शेप जो है वो इस तरीके से हो जाती है, नॉर्मल शेप ये है लेकिन ये सिकल सेल हो जाते हैं, और सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो आपको याद रखना है। सिकल सेल, अब जैसा कि थैलेसीमिया में हो रहा था कि एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो रही थी हीमोग्लोबिन की, तो इसमें भी जब शेप इसकी रेगुलर हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, ठीक है, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आती है प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया जो अमिताभ बच्चन को हुई थी पाम मूवी के अंदर, जिसमें मतलब कम उम्र के अंदर बुढ़ा हो जाता है कोई, उसको बोलते हैं प्रोजेरिया। तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये जेनेटिक है एंड इसमें क्या होता है। नेक्स्ट आती है एक चार्ज सिंड्रोम। तो चार्ज सिंड्रोम में क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, इसमें जीन्स की ऐसी माल फंक्शनिंग होगी जिसकी वजह से एक पर्सन को मल्टीपल लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होंगी, जैसे उसको अलग अलग टाइप की ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जो कि उसकी लाइफ के लिए खतरा होंगी, जैसे वो ब्लाइंड हो सकता है, हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, उसको जेनिटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और वो मर जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये लिस्ट है कुछ दी हुई मैंने, अगर आपने मतलब जो पीछे मैंने पढ़ा दी उतनी काफ़ी है वैसे, पर अगर आपको टाइम लगे तो एक बार देख लेना कौन कौन सी होती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, टेस एच डिजीज, फिनाइल केटेनोरिया, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, कॉन्जेंटल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तो अगर टाइम लगे तो एक बार देख लेना इनको। फिर हमारे पास आती एलिफेंटियासिस, एनसीफेलाइटिस सॉरी। तो एलिफेंटियासिस हमने पहले देख ली जो कि हो रही थी हमारी वॉचेरिया बैंक्रॉप्टी से। तो ये एनसीफेलाइटिस है जो कि काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहती है। तो एनसीफेलाइटिस क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि जापानी एनसीफेलाइटिस की वजह से। तो एनसीफेलाइटिस होता क्या है, एनसीफेलाइटिस का सिंपल सा मतलब है कि आपका ब्रेन जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, मतलब स्वेलिंग हो रही है, कोई इन्फेक्शन वगैरह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जा रही है आपकी, उसको बोलते हैं एनसीफेलाइटिस।
ठीक है। और ये स्वेलिंग हो कैसे सकती है, स्वेलिंग किसी भी कंडीशन से हो सकती है, जो हमने पीछे बीमारियां डिस्कस की वो कोई भी बीमारी अगर उसके मतलब ज़्यादा सीवियर रूप ले लेती है तो वो कॉज कर सकती है। मतलब कोई पर्टिकुलर एनसीफिलाइटिस एक जर्नल बीमारी से हो सकते हो, जिसका मतलब है कि आपके ब्रेन के अंदर सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये किसी भी जो हमने पहले कंडीशन देखी उन सभी से हो सकता है, जैसे डेंगू हो गया, कैंसर हो गया, रुबेला, इसी की वजह से अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ब्रेन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे एनसीफिलाइटिस। लेकिन इसको अलग अलग, जैसे हमने देखा कि डिफरेंट बीमारी के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, इसको बैक्टीरिया भी कॉज कर देते हैं, वायरल भी कॉज कर देते हैं। जब वायरस के अंदर, एक वायरस का नाम है जो हमारा जापानी एनसीफिलाइटिस वायरस है, ये जब कॉज करता है तो उसको बोलते हैं जापानीज एनसीफिलाइटिस। तो होगा क्या इसके अंदर में, यही होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन होगी, लेकिन इस ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो एनसीफिलाइटिस जर्नल टर्म, और जब इसको स्पेसिफिक लेके वायरस लेके जाएंगे हम जापानी एनसीफिलाइटिस वायरस, तो उसको बोलेंगे जापानीज एनसीफिलाइटिस। तो ये मॉस्किटो बॉर्न, कौन सा मॉस्किटो इसको कैरी करता है, क्यूलेक्स। तो याद रखना है आपको, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जिका, ये हमारे एडीस हो गए, ठीक है। जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोन मलेरिया की बात हो रही है, और क्यूलेक्स किसकी बात हो रही है, जापानीज एनसीफिलाइटिस। तो मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, ब्रेन के अंदर इशू होता है, और इसको एक्यूट एनसीफिलाइटिस सिंड्रोम की श्रेणी में रखा जाता है। एक्यूट मतलब कि काफ़ी सीवियर है, इसमें मौत भी हो सकती है। तो जापानी इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, एक एक्यूट होगा, एक नॉर्मल होगा। तो एक्यूट जो काफ़ी टिपिकल होगा उसकी श्रेणी में रखा जाता है जापानीज एनसीफिलाइटिस को, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी डिटेल आपको पता होना चाहिए। और एक नाम है यहाँ पे जेनवैक, तो इस वैक्सीन का नाम याद रखना कि ये जापानीज एनसीफिलाइटिस के लिए बनाई हुई है, और ये फर्स्ट इंडिजिनस है, दो हमने पहले देख लिया इंडिजिनस, ये थर्ड है इंडिजिनस, जो कि छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती है जापानीज एनसीफिलाइटिस से, ठीक है। और रिसेंट में जो गोरखपुर के अंदर में इंसिडेंस देखे गए थे जापानी एनसीफिलाइटिस से डेथ हुई थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर पूछ सकते हैं वो, कि ये बीमारी रिसेंटली में देखी गई थी, ठीक है। तो गोरखपुर यूपी के अंदर देखी गई थी, तो इसका सिर्फ नाम याद रखना है, ये नॉर्मल से पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास आता है एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो ये सीजन के हिसाब से कोई डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इंडिया में मोर देन 10 मिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं इसे, और होता क्या है, ये ऐसे क्लाइमेट के अंदर होती हैं जहाँ पे सनलाइट कम होती है, मतलब सनलाइट प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से क्या होता है, ऐसी डिसऑर्डर हो जाती है जिसमें डिप्रेशन जैसे सिम्टम देखेंगे आपको, ठीक है। मूड स्विंग होगा, फैटीग होगा, डिप्रेशन होगा, होपलेसनेस की फीलिंग होगी। तो जर्नल में होता क्या है, एक हार्मोन होता है जो सनलाइट के ऊपर जब आप बैठते हो उसके बाद एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, तो इसका नाम याद रख लेना सेरोटोनिन, जो कि ट्रिगर करता है ह्यूमन के अंदर जब ये मतलब सनलाइट होती है तो इसको बढ़ाती है वो। और ये हार्मोन क्या करता है, मतलब एक तरीके से एनरिच कर देता है, एनर्जी आ जाती है पर्सन के अंदर में, उसको लाइफ में नई होप्स दिखती हैं, ठीक है। तो ये जॉय से आप रिलेट कर सकते हो इसको। तो विदाउट इनफ सनलाइट एक्सपोजर अ पर्सन सेरोटोनिन लेवल डीप डाउन, उसका सेरोटोनिन लेवल नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरह उसमें सिम्टम आ सकते हैं, जिसको बोलेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्योंकि ये पर्टिकुलर सीजन की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर सीजन में अगर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर काफ़ी सनलाइट है तो पर्सन जो है एनकाउंटर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट, और उसको ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेरोटोनिन किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर हमारे पास आता है एक ट्यूरेट सिंड्रोम, तो ट्यूरेट सिंड्रोम एक न्यूरो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन का डिसऑर्डर है कोई, जिसके अंदर क्या हो रहा है, पर्सन क्या करेगा, सडन रिपीटिटिव अचानक करेगा और बार बार करेगा, कौन सी मूवमेंट्स करेगा, कुछ और साउंड करेंगे जो कि उसके कंट्रोल के अंदर नहीं होंगी, ऐसी साउंड्स और मूवमेंट करेगा जो कि उसके कंट्रोल के बाहर होंगी, तो ऐसा ब्रेन का डिसऑर्डर है ट्यूरेट सिंड्रोम। और इसके जो कॉज है वो अननोन है, लेकिन माना जाता है ये जेनेटिक होगा या एनवायरमेंटल फैक्टर इसको कॉज करते हैं, तो मैंने इसको अलग रखा हुआ है। फिर रिसेंट में एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि अडल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मिल्क के अंदर में। अडल्ट्रेशन का मतलब कि ऐसे चीज़ें मिल्क के अंदर डाल रही हैं जो अनवांटेड हैं, जो कि इसकी क्वालिटी को डिग्रेड करेंगी, मिलावट हो रही है एक तरीके से अडल्ट्रेशन। तो कौन कौन से प्रोडक्ट को डाला जा सकता है मिल्क के अंदर, वो क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट, बफेलो मिल्क एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, फॉर्मिलिन, अमोनियम सल्फेट, यूरिया नाइट्रेट, बेंजोइक एंड सैलिसाइलिक एसिड एंड बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, डिटर्जेंट, पल्वराइज सोप एंड कलरिंग मैटर। तो इनके नाम आपको मतलब एक दो बार पढ़ लेना, ऐसे याद ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बार अगर पढ़े हो तो उससे पता लग जाता है एग्जाम के अंदर कौन कौन से मतलब सेलेक्ट करने में आसान रहता है। मोस्टली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर काफ़ी फैक्चुअल हो जाता है तो उसमें ऑल ऑफ द अबव होता है ऑप्शन, तो उसमें भी हेल्प मिल जाएगी अगर आपने नाम पढ़े हो एक बार तो देख लेना इनको। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक नेशनल बायोफार्मा मिशन, जिसको बोला जाता है दूसरा नाम है इसका इनोवेट इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर इनोवेट करो, क्या चीज़, बायोफार्मा, मतलब हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए इनोवेशन की बात हो रही है। तो ये इंडस्ट्री और अकेडमिया
मतलब जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मतलब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट साथ में आ रहे हैं और ये क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे फार्मास्यूटिकल जो हमारा सेक्टर है, दवाइयों का सेक्टर इंडिया के अंदर में। हमें पता है इंडिया के अंदर में जो जेनरिक ड्रग हैं वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर की जाती हैं, हम अपना इनोवेशन नहीं करते। तो ये मिशन कहता है कि आप इनोवेट करो ताकि हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो कि 2.8 शेयर है जिसका वर्ल्ड का, उसको लेके जा सके हम 5% पे। ठीक है, तो इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये स्कीम चलाई हुई है जिसमें इंडस्ट्रीज आई हैं और गवर्नमेंट साथ मिलकर आई है और कह रहे हैं कि हम अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, कैसे, न्यू थिंग्स की इनोवेशन करके। और वर्ल्ड बैंक भी कोलैबोरेशन कर रहा है इसमें, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड बैंक भी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इसमें कोलैबोरेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिया हाइपरटेंशन मैनेजमेंट इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और इसको मैनेज करने के लिए इनिशिएटिव चलाया गया है। हाइपरटेंशन से क्या होता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो डिसेबिलिटी हो सकती है, हार्ट की डेथ हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है उसकी वजह से, तो उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, इस इनिशिएटिव को चलाया गया है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक तो पता है हाइपरटेंशन क्या होता है, दूसरा कि कौन चला रहा है इसको। तो इसको चला रहा है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड स्टेट गवर्नमेंट और WHO BS के अंदर में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके नाम पता होना चाहिए कौन इसको चला रहा है। और बेसिकली इसमें करेंगे क्या, डाटा वगैरह हाइपरटेंशन के बारे में गैदर करेंगे, न्यू रिसर्च, कोई नए लेसन लर्न करने होंगे वर्ल्ड से या किसी और चीज़ से, तो उन चीज़ों को आगे किया जाएगा ताकि हाइपरटेंशन को मैनेज किया जा सके। फिर हमारे पास आता आई प्रिज्म। तो आई प्रिज्म क्या है, आई से IPR से याद कर लेना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए कंपटीशन था कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। और चलाया कौन, इंडिया के अंदर जो काम होते हैं IPR के उसको कौन देखता है, CIPAM किसके अंदर, DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, इसके बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहता है ये। और इसका मेन एम क्या था, अब IPR के लिए कंपटीशन है तो ये क्या करेगा, फोस्टर करेगा कल्चर ताकि इनोवेशन करें और क्रिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंडिया के IPR ऊपर जा सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई क्रिएट। तो आई क्रिएट क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेंटर है, एक इंडिपेंडेंट सेंटर है जिसको अहमदाबाद में गुजरात के अंदर बनाया गया, जो PM मोदी और इसराइल के PM यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। तो इसराइल के अंदर आपको पता होगा, इसराइल एक छोटी सी कंट्री है लेकिन उनकी स्टार्टअप्स की श्रेणी में वो काफ़ी टॉप के अंदर रहते हैं, वहाँ से काफ़ी स्टार्टअप निकलते हैं, मतलब इनोवेशन के मामले में इसराइल काफ़ी ऊपर है। तो मोदी और इसराइल जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया इस फैसिलिटी को, आई क्रिएट को। तो अब इसका काम क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटर है जो कि फैसिलिटेट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे, आपको क्रिएटिव बनना है, इनोवेशन लेके आनी है। ठीक है, इनोवेशन लेके आओगे आप नई नई फील्ड के अंदर में और उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, न्यू IPR लोगे उसके लिए, तो उस चीज़ के लिए बनाया गया है ये। आपको असिस्टेंस देगा किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, कोई रिसर्च वगैरह प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, या कोई आपको IPR से रिलेटेड असिस्टेंस है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। तो आप जो इनोवेशन करोगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे, वो किस फील्ड में दिखा सकते हो, इंडिया के अंदर पहले ही सोसाइटी के अंदर इतनी प्रॉब्लम है तो आप फूड सिक्योरिटी में दिखा सकते हो, वाटर में, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, किसी फील्ड के अंदर लेके आओ, वो उसको सपोर्ट करने के लिए आई क्रिएट एक सेंटर बनाया गया गुजरात के अंदर। फिर हमारे पास आता ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये न्यूज़ के अंदर था क्योंकि इसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है, इसको यूज़ किया जाता है डेयरी जो ओनर होते हैं, जो फार्मर होते हैं, वो मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। और दूसरा यूज़ किया जाता है वेजिटेबल को बड़ा दिखाने के लिए और फ्रेश दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन होता क्या है, ऑक्सीटोसिन ह्यूमन के अंदर मिलता है, मेल के अंदर भी होता है, फीमेल के अंदर भी होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर होता है हार्मोन। और ये काम क्या करता है, इसको रिलीज होता है ये हाइपोथैलेमस में, ये बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ये बनता है ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उससे नीचे है थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से सीक्रेट होता है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि NCERT वगैरह में काफ़ी मेंशन है ये। तो दूसरा, इसको डबल लव हार्मोन भी बोलते हैं, हग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप कोई लव वगैरह मेक करते हो तो उस टाइम जो है ज़्यादा रिलीज होता है ये, तभी इसको बोला जाता है लव हार्मोन। ठीक है, इसकी वजह से लव नहीं होता लेकिन लव के टाइम ये ज़्यादा रिलीज होता है, तो इसको लव हार्मोन बोलते हैं। और मेनली ये दो चीज़ों से एसोसिएटेड है फीमेल के अंदर, चाइल्ड बर्थ से और ब्रेस्ट फीडिंग से, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये। और आपको पता होना चाहिए ये एक हार्मोन भी एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी। हार्मोन हमने देख लिया कि क्या क्या काम कर रहा है ये,
हार्मोन है, लव हार्मोन है, उस टाइम रिलीज़ हो रहा है, और इसके क्या क्या काम हो सकते हैं हार्मोन के रूप में, ये इसका ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इसको अगर बाहर से दिया जाता है किस चीज़ के लिए, कौन सी कंडीशन के लिए, डिप्रेशन से लड़ने के लिए, एनजाइटी से लड़ने के लिए, ठीक है, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है उससे लड़ने के लिए भी ये इस हार्मोन का यूज़ किया जाता है। और एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है ये न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर, न्यूरोन के अंदर में ट्रांसमीटर कुछ ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये हमारे न्यूरोन होते हैं जो कि ब्रेन के अंदर होते हैं, एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में ट्रांसफर कर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए कुछ केमिकल का यूज़ होता है, तो वो केमिकल की तरह रिएक्ट करता है ब्रेन के अंदर ये, ठीक है। तो आपको बस याद रख लेना कि हार्मोन की तरह रिएक्ट करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी। इसको डेयरी फार्मर मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और वेजिटेबल को फ्रेश दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फीमेल के अंदर दो चीज़ों के लिए एसोसिएटेड है, चाइल्ड बर्थ के लिए एंड ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। और इसको अगर ट्रीटमेंट के लिए बाहर से दिया जाता है तो मतलब डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह से भी लड़ा जा सकता है इससे। और इसको लव हार्मोन डब किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे पास आता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि किसी चीज़ में असर कर रहा है। जैसे आपकी कोई दवाई होती है, मान लो दवाई का नाम है सलमान खान, तो आप दवाई को बेच रहे हो, लेकिन दवाई आप खाओगे ये बुखार के लिए, मान लो दवाई है, तो सलमान खान तो सिर्फ दवाई का नाम है, उसके अंदर कोई केमिकल होगा, ठीक है, कोई केमिकल बनाया होगा, जैसे CH ये वो कुछ भी जो भी होगा, वो केमिकल होगा जो कि असर करेगा एक्चुअल में। सलमान खान असर नहीं करेगा, वो केमिकल असर करेगा, तो उस केमिकल को बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक्ट कर रहा है। ये ऐसा मतलब एक्टिव रॉ मटेरियल होगा जो कि यूज़ किया जाएगा ड्रग को बनाने के लिए, ठीक है, जिसका कोई थेरेपेटिक इफेक्ट होगा। तो ये मेन इफेक्ट करने वाली चीज़ ये होगी, ठीक है। और फिर नई कुछ डेफिनेशन आती है यहाँ पे, ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन। ब्रांडेड ड्रग का मतलब जो ब्रांड के नाम से बेची जा रही है, किसी पर्सन ने किसी चीज़ की इनोवेशन कर ली, किसी मतलब दवाई की इनोवेशन कर ली, उसके बाद वो अपनी ब्रांड का नाम दे सकता है उसको, इसको इनोवेटर ड्रग भी बोलते हैं। क्योंकि अगर मान लो मैंने नई दवाई डिस्कवर की, उसके बाद मैं पेटेंट मांगता हूँ उसका, मुझको पेटेंट मिल गया, उसके बाद मैंने अपने ब्रांड से बेचूंगा मैं उसको, जो मेरा ब्रांड नेम होगा कंपनी का, सिप्ला वगैरह, मतलब अगर उन्होंने डिस्कवरी की तो वो अपने ब्रांड से बेचेंगे, तो उसको बोलेंगे ब्रांडेड ड्रग। अब थोड़े टाइम बाद, जैसे 20 साल के बाद पेटेंट मेरा एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद उसी ड्रग को जेनरिक कंपनियां बनाएंगी, मतलब सेम कंपोजिशन होगी उसकी, जैसा यहाँ पे मैंने बनाया है जो सॉल्ट यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे CH सॉल्ट का नाम है, तो यही सॉल्ट जो है ये यूज़ करेंगे, उसी को, मेरा पेटेंट एक्सपायर हो गया, उसी को यही उस सॉल्ट को यूज़ कर लेंगे, उसको बोलेंगे जेनरिक ड्रग। मतलब ये ब्रांडेड ड्रग का वर्जन होगा जो कि आइडेंटिकल होगा उसी की तरह, और बायो इक्विवेलेंट होगा, मतलब उसी की तरह असर दिखाएगा ये, तो उसको बोलते हैं जेनरिक ड्रग। इंडिया के अंदर तो इतना इफेक्ट नहीं है इनका, क्योंकि इंडिया के अंदर जो जेनरिक ड्रग हैं उनको भी ब्रांड के नाम से बेच देते हैं, ठीक है, क्योंकि 20 साल बाद जब पेटेंट एक्सपायर होता है उसके बाद जेनरिक ड्रग को आप ब्रांड के नेम से नहीं बेच सकते, लेकिन इंडिया के अंदर बेच देते हैं। USA के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट यहाँ पे मतलब लाइंस हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक को। तो ब्रांडेड कौन सी होगी, जो मैंने पहली बार बनाई और उसको मैंने अपनी ब्रांड नेम दे दिया। जेनरिक कौन सी हुई, जो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद कंपनी ने बना दी, जो कि इंडिया वाले मोस्टली बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन थी ये मैंने लैब के अंदर बनाई, मैंने केमिकल के रिएक्शन किए, डिफरेंट सॉल्ट को मिलाया मैंने किसी चीज़ में, उसके बाद केमिकल रिएक्शन से मैंने नया केमिकल बना के दिया जो कि एक्ट कर रहा था किसी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर। लेकिन अगर मैं कुछ ना करूं, ऐसे रिएक्शन ना करूं, और मैं कोई बैक्टीरिया ढूंढ लूं जो कि जिस बैक्टीरिया से कुछ ऐसी चीज़ निकलती हो जो कि मान लो कि फीवर के ऊपर एक्ट करती है, अगर उससे मैं वो चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, तो उस दवाई को क्या बोलेंगे। ये तो केमिकल है जो मैं लैब के अंदर बना रहा हूँ, तो उस दवाई को बोलेंगे बायोलॉजिकल मेडिसिन। तो बायोलॉजिकल मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि लिविंग बींग से डिराइव होती हैं। लिविंग बींग, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें कुछ प्रोटीन होंगी, उनके कुछ हार्मोन होंगे या एंटीबॉडीज होंगी जो कि एक्ट करेंगी किसी पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। उनको मैं वहाँ से निकाल लूँगा और उनका पेटेंट करवा के उनको जो मेडिसिन बनेगी उनको बोलूँगा मैं बायोलॉजिकल मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे ब्रांडेड ड्रग्स अलग हैं, वो केमिकल वगैरह से बन रही हैं, लेकिन ये हम लिविंग बींग से निकाल रहे हैं। अब बायोसिमिलर क्या होता है, जैसे ब्रांडेड ड्रग का वर्जन है जेनेरिक ड्रग, वैसे ही बायोलॉजिकल मेडिसिन का वर्जन है बायोसिमिलर, मतलब ये इन्हीं की तरह सिमिलर है। मान लो मैंने किसी बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाली, ठीक है, मान लो इंसुलिन निकाली किसी बैक्टीरिया से, और बायोसिमिलर के अंदर क्या हो सकता है, मैं किसी और बैक्टीरिया से, मतलब ये एस नाम का बैक्टीरिया है, मैं किसी ए नाम के बैक्टीरिया से इंसुलिन निकाल लेता हूँ, ठीक है, या मान लो कोई और ड्रग है मैं उसको किसी और तरीके से किसी और ऑर्गेनिज्म से निकालता हूँ, तो उसको बोलेंगे बायोसिमिलर, उसको बायोलॉजिकल मेडिसिन नहीं बोलेंगे। बायोलॉजिकल मेडिसिन पहले ही बन चुकी है उसकी, लेकिन ये बायोसिमिलर है, उसी की तरह सिमिलर है, तो उसको बोलेंगे बायोसिमिलर। तो ये डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको।
तो ये जर्नल सा डिफरेंस है जेनरिक ड्रग और बायोसिमिलर, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, जितना मैंने बता दिया उतना याद कर लेना, इनकी मतलब डेफिनेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे पास आती है कोएलेशन ऑफ फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, तो ये कोएलेशन है, ग्रुप बनाया हुआ है एपिडेमिक्स जो होते हैं या उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए इनोवेशन करनी है हमने, नई नई जो एपिडेमिक होती हैं बीमारियों से उनके लिए हम इनोवेशन करेंगे, नई नई वैक्सीन वगैरह खोजेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबमिट हुई थी जनवरी 2017 में, वहाँ से निकल के आई थी। और इसमें क्या किया जाएगा, जिन ड्रग के ऊपर, जिन बीमारियों के ऊपर अभी तक फोकस नहीं किया गया ज़्यादा, उनके लिए न्यू वैक्सीन बनाई जाएंगी, ठीक है, ऐसी बीमारियों के लिए जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया उनके लिए न्यू वैक्सीन बनाई जाएंगी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह भी दी हुई है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस दो चीज़ें याद कर लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और न्यू वैक्सीन की डिस्कवरी करनी है। फिर हमारे पास आता है एक प्रोजेक्ट जीवन रेखा, तो जीवन रेखा क्या है, ई हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ प्रोजेक्ट है, जिसमें दो चीज़ें करेंगे, एक तो हॉस्पिटल की ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है, दूसरा करेंगे मेंटेन जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनको डिजिटली मेंटेन करेंगे, ताकि डॉक्टर पेशेंट जो है उनको कभी भी चेक कर सकें, उनको फाइल वगैरह लेके जाने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट आता ई सिगरेट के ऊपर, तो ई सिगरेट एक तो ये बैटरी से चलती हैं, ठीक है, वेपराइजर होते हैं, वेपर निकलता है, जो कि तंबाकू जैसे तंबाकू होता है उसके बाद स्मोक निकलती है, उसको मिमिक करते हैं, उसको कॉपी करता है ये। और इसमें आपको याद रखना है इसके कंपोनेंट क्या हैं, कंपोनेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, जैसे प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, निकोटीन, फ्लेवरीन, तो निकोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, निकोटीन प्रेजेंट है तो मतलब ये भी कैंसरस होंगी, ये भी बॉडी को इफेक्ट करेंगी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आता है कि ई सिगरेट फ्री है किसी भी तरीके के हेल्थ हजार से, तो वो गलत हो जाएगा हमारा। और इंडिया के अंदर कम्प्लीटली बैन है, तो वो भी गलत हो जाएगा, कुछ स्टेट के अंदर बैन है ये, कुछ स्टेट के अंदर बैन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, WHO ने रिकॉग्नाइज किया गेमिंग डिसऑर्डर, मतलब जो गेमिंग ज़्यादा प्ले करते हैं उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हो जाता है उनका, जो इनका बिहेवियर है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उनका मतलब जो प्रायोरिटी होती है वो गेमिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको बोलेंगे गेमिंग की वजह से जो डिसऑर्डर होंगे उनको बोलेंगे गेमिंग डिसऑर्डर। तो WHO ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये भी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। तो ख़त्म होते हैं हमारे ये सीरीज़ अभी तक की, ख़त्म होती है जो बीमारियों के लिए बनाई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बच गए हैं, जो हमारे स्पेस डिफेंस वगैरह वो सभी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। थैंक यू।